अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसी चीजों के बारे में जो जिस किसी के भी घर में होती हैं, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जी हाँ नाजरीन, बहुत ही अहम और बहुत ही प्यारा वीडियो है, तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल जरूर देखें। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन घरों में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। वो घर आप जानते हैं नाजरीन कौन कौन से हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं वो घर कौन कौन से हैं। नंबर एक, रिश्तेदारी तोड़ने वाला घर। जिन घरों की वजह से लोगों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, तो उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर दो, जिन लोगों के घरों में कुत्ता होता है। जो लोग अपने घरों में शौकिया तौर पर कुत्ता वगैरह पालते हैं, तो उन घरों में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, तो इस चीज का ख्याल रखें आप। नंबर तीन, जिस घर में जानदार चीज की तस्वीरें हैं या मूर्तियां हैं, उन घरों में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिन भी घरों में तस्वीरें या फिर मूर्तियां होती हैं, वो भी जानदार चीजों की, तो उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर चार, जिस घर में जुम्बी हो। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर जुम्बी किसको कहते हैं, जुम्बी का मतलब क्या है? काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो उन लोगों को हम बता देते हैं। जुम्बी उसको कहते हैं जो बिना गुस्ल करके नहाता है, यानी कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो और वो ऐसे ही बिना गुस्ल करे पानी के लोटा लोट कर नहा लेता है, उसको जुम्बी कहते हैं। तो जिस भी घर में ऐसा कोई शख्स होगा, उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये चार पॉइंट आपको जो हमने बताए हैं, ये बहुत जरूरी पॉइंट हैं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, इन बातों पर जरूर अमल करें। अल्लाह तबारक व ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करके सवाब के मुस्तहिक बने, अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर देगा। इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में हमें अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।